यो ज्ञानांधकारात प्रकाशम नयति स गुरु उच्यते। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश जला दे। इसलिए हमारे यहां कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का नाम ही जो ले जाए वही गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। लेकिन आज गुरु भी स्वार्थी हो गए हैं, पढ़ाना नहीं चाहते विद्यालयों में, सरकार का सिर्फ पैसा लेते हैं। जो शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए नहीं करते, सरकार की कुछ नीति भी ऐसी हो गई है कि लालच दे दे करके बच्चों को पढ़ना भी छुड़ा दिया, भोजन की व्यवस्था करके न जाने क्या क्या करके। भोजन का व्यवस्था तो एक माध्यम है, मूल कारण अपना जेब भरना होता है। यहाँ संडा मर्क जिसे हिरण्यकश्यप पूछ रहा है कि तुमने क्या सिखा रहे हो हमारे पुत्र को। चंडामर्क जी कह रहे, महाराज जो आपने बताया मैं वही तो सिखाता हूँ। कहा नहीं नहीं, यह तुम नहीं सिखाते हो तो कोई ना कोई जरूर है, तुम इसका अन्वेषण करो, खोज करो। चंडामर्क जी खोज करने लगे लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ समय और बीता, कुछ समय बीतने के बाद एक बार संडामर्क जी हिरण्यकश्यप से मिलने जा रहे थे। सोचा उनके पुत्र को ले चलेंगे साथ में तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो जाएंगे अपने पुत्र को देख करके, तो हमारे ऊपर भी कुछ कृपा बरसा देंगे। तो प्रहलाद जी को लेकर के गए। प्रहलाद जी जब अपने महल पहुंचे, घर पहुंचे, अपने माता जी से मिले सर्वप्रथम। माता जी ने उनको खूब प्यार किया, नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाया। जब सज धज कर प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु के पास गए, हिरण्यकश्यपु ने